एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है लियो मैंग और वो एक नॉवल आर्टिस्ट होता है जो कि नॉवल लिखता रहता है। लियो मैंग वो बोलता है कि जो भी हो अब मैं एक छोटी सी मुसीबत में हूँ, पड़ चुका हूँ और मुझे इस मुसीबत से कैसे भी करके बाहर तो निकलना ही है। फिर वो बोलता है कि मैं हूँ वो थोड़ी देर पहले ही मर चुका हूँ, अब मैं गॉड के सामने बैठा हूँ। लियो मैंग वो जहन्नुम में होता है और जहन्नुम का जो गॉड होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड यामा, वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी जहन्नुम में हो। वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करते हुए ये बात बोलता है। लियो मैंग वो बोलता है आखिरकार मैं जहन्नुम में कैसे आया, मैं तो थोड़ी देर पहले ही अपनी स्क्रिप्ट खत्म करके उठा था और मैं सिर्फ नमक लेने के लिए बाहर निकला और तुमने मुझे ऊपर उठा लेना। ही मैंने कोई जुर्म किया है, ना मैंने किसी को मारा है, ना किसी की चोरी की है, तो आखिर मुझे जहन्नुम में क्यों लाया गया है, मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। लॉर्ड यामा है वो थोड़े गुस्से में आते हुए उससे बोलते हैं क्या तुमने अभी कुछ टाइम पहले ट्रेजिक नॉवल है वो लिखी है क्या। लियो मैंग वो बोलता है आखिर मेरी नॉवल और जहन्नुम के बीच में क्या संबंध है, हमें मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है। वो बोलता है कि हाँ मैंने कुछ टाइम पहले एक नॉवल है वो खत्म की है जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो सब कुछ हासिल कर लेता है, अपनी आत्मा जो सोल है उसको भी जगा लेता है और हाई रैंक पे पहुंच जाता है और मुझे इस नॉवल की वजह से वो बहुत सारे धमकी भरे कॉल भी आए हैं, सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये कट कर दी। लियो मैंग वो बोलता है कि जैसे ही जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो हमारे विलेन को हरा देगा उसके बाद वो प्रिंसेस के साथ वो वाले संबंध है वो बनाने लगेगा, विलेन भी कम कमजोर नहीं होगा। लियो मैंग वो बोलता है कि मुझे मेरी खुद की नॉवल पे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पूरे नॉवल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी मर्जी के मुताबिक, और ये कहने के बाद वो बोलता है कि अब मैं किस में क्या ही कर सकता हूँ। लियो मैंग वो बोलता है कि आप मुझे अब बता सकते हैं कि मेरी नॉवल और जहन्नुम के बीच में क्या संबंध है। लॉर्ड यामा वो रोते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जो नॉवल है वो पूरे एक साल पढ़ी है कि मुझे लगा था कि फाइनली वो एक दोनों एक साथ आ जाएंगे, बट तुमने तो पूरी दुनिया को ही तबाह कर दिया, तो मेरा दिमाग है वो बहुत ज़्यादा हिल गया है और मैं तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा देना चाहता हूँ। लियो मैंग वो बोलता है कि भैया अरे वाह भगवान भी मेरी किताबें वो पढ़ते हैं, अरे अच्छी बात। लॉर्ड यामा है वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी तेजी से बोलने की, तूने सिर्फ अपनी जो नॉवल उसे लेट नहीं किया बल्कि उसकी पूरी कहानी बदल डाली है, वैसे तो तू 90 साल जीने वाला था अब, बट जो मैं तेरे साल है वो कम करने वाला हूँ, मतलब तुझे अभी के अभी यहाँ पे दफन कर दूंगा, यहाँ से फेंक दूंगा। लियो मैंग वो बोलता है कि भगवान ऐसा मत करो यार, मैं तो शुद्ध वर्जिन लड़का हूँ, अगर ऐसे ही मर गया तो मेरे तो इच्छे पे अरमान पे सारे कुछ पानी फिर जाएगा। लॉर्ड यामा है वो बोलते हैं कि चल ठीक है तू इतना गिड़गड़ा रहा है तो चल मैं तुझे एक चांस देता हूँ, मैं तुझे तेरी नॉवल दुनिया में भेज दूंगा, तू उसको मैं 10 साल में वो तबाह होने वाली है बट तू उसकी एंडिंग है वो चेंज करेगा वरना मैं तुझे हर जन्म में सिंगल मारूंगा। लियो मैंग वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बेरहम हो, तुम एक शुद्ध वर्जिन लड़के को ऐसे कैसे जिंदगी दे सकते हो उसकी नॉवल दुनिया में जो उसने बिगाड़ रखी है। बंदे उसे एक नदी के किनारे लाते हैं जिसका नाम होता है वेटराना रिवर। वो हमारा जो लियो मैंग है वो बोलता है कि यार यार मिस्टर हॉर्स मिस्टर बोल मुझे माफ कर दो यार, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है वर्जिन नहीं मरना है, आप मुझे छोड़ भी दोगे तो उसे क्या ही पता चलेगा। जो हॉर्स और बुल होते हैं वो हमारे जो लियो मैंग है उसकी गांड पर लात मार के उसे नीचे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि जा यहाँ से निकल, वो भी चिल्लाते हुए नीचे जाने लगता है। नीचे फेंकने के बाद है वो मिस्टर बुल को याद आता है और फिर वो हॉर्स से बोलता है अरे यार हम तो उसे बताने ही भूल गए कुछ चीज़ों के बारे में, अब जो लॉर्ड यामा है वो हमें बहुत ज़्यादा है वो गुस्सा करने वाले हैं। फिर हमें दिखाई जाती है नालान सिटी जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी लियो मैंग ने ही बनाई होती। वहाँ पे एक बंदा है वो जमीन पे पड़ा हुआ होता है, तभी बाकी के जो वहाँ पे भीड़ जमा हुई होती है वो बोलते हैं कि आखिर ये कौन बंदा है जो यहाँ पे लेटा हुआ है वो भी भरी दोपहर में। तभी उस बंदे की वो धीरे धीरे करके आंखें खोलने लगती हैं और वो जैसे ही वो अपना सिर खोलता है मतलब उठता है और वो पानी में है वो देखने लगता है और फिर वो देखता है कि पानी में उसका चेहरा होता है हमारे लियो मैंग का। लियो मैंग अपने चेहरे के बारे में सोच रहा होता है तभी उसे दूसरा चेहरा दिखता है और वो बोलता है कि आखिर ये इतना सुंदर चेहरा है वो किसका है, मुझे तो ये याद भी नहीं, और वो बोलता है शायद मैंने इसे कहीं देखा। कुछ लोग होते हैं वो वहाँ पे बोलते हैं क्या ये बंदा पागल है, ये फिर से दोपहर के टाइम में ऐसे जमीन पे कैसे सो सकता है वो भी रोड पे। एक बंदा है वो बोलता है इसका नाम ली युग्यो है, वो यहाँ के मतलब किंग की फैमिली से है वो बिलोंग करता है, अगर इसकी वाइफ वो यहाँ की लॉर्ड ना होती तो ये वो 3000 बार है वो यहाँ पे मर जाता। बंदे ये बोलते हैं छोड़ो इसका ये तस्कर उसका है, तभी है हमारी ली युग्यो की नजर है वो कहीं पे जाती है और वो देखता है कि उसके हाथ में एक बिल्ला पड़ा होता है मतलब कहीं तो एक बैज होता है जिस पे लिखा होता है उसका नाम ली युग्यो। ली युग्यो ये नाम सुन के वो अपने उसके पैरों के जले जमीन है वो खिसक जाती है और बोलते है कि सच में अब मैं अपने नॉवल वर्ल्ड में, बोलता है कि अब इसमें कोई शक नहीं कि मैं ली युग्यो हूँ और ये बहुत ज्यादा अजीब बात है बिकॉज हम मुझे पता है कि ये ली युग्यो है वो मैंने ही बनाया है कैरेक्टर। वो बोलता है कि इस कॉमिक में ली युग्यो है वो बहुत ज्यादा कूल बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा बुरे बुरे क्राइम करता है। बोलता है कि ली युग्यो है वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की बंदी के साथ कुछ गलत कर देगा जिसकी वजह से जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो उसका केला काट देगा। बंदा है वो अपने पैंट है उसे खोल के देखता है कि वो बोलता है कि अच्छा हुआ ये यहीं पे अभी तक ये कटा
हटा नहीं है, अच्छी बात है। ये बहुत लियो मैंग है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक विलन कैसे बन सकता हूँ, जबकि ये नॉवल मैंने ही लिखी है। वहाँ से पीछे जाते हुए बंदा है वो बोलता है कि आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर वो उदास होकर बोलता है कि ये दुनिया तो वैसे भी 10 साल में खत्म होने वाली है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हीरो है कौन हीरोइन और कौन विलन। लियो मैंग वो बोलता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि ये स्टोरी का वो मैंने लिखा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे सारे खजाने वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। वो बोलता है कि मैं खजाने को इकट्ठा करके बंदों की मदद कर सकता हूँ जिससे वो बंदे कोई भी क्राइम नहीं करें। फिर वो बोलता है कि सिंपल वर्ड में कहें तो मैं तो अभी इस गेम का है मतलब इस नॉवल का वर्ल्ड क्रिएटर बन चुका हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी लियो मैंग के ऊपर है वो कुछ एक डब्बा आके गिर जाता है। लियो मैंग बोलता है कि आखिर किसकी मजाल हुई मेरे ऊपर ये फेंकने। लियो मैंग वो बोलता है कि इतनी ज्यादा बड़ी प्लानिंग के बीच में कोई किसी को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। उसके ऊपर एक डिब्बा गिरा होता है जिसके ऊपर हमारे लॉर्ड यामा का है वो स्ट्रिकर बना हुआ होता है। पार्सल है वो सीधा हेल से आया होता है, वो हमारे जो लॉर्ड यामा ने वो हमारे लियो मैंग के लिए वो भेजा होता है और वो बोलता है कि इसे मेरे लिए रिसीव करो। लियो मैंग वो बोलता है कि ये तो वही पेपर है मतलब वही नमक है जो मैंने अपने वर्ल्ड में खरीदा था मरने से कुछ टाइम पहले, और एक लेटर भी है यहाँ पे। तो लॉर्ड यामा है वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एलिमेंट सिस्टम है वो दिया है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा दयालु, मैं तुम्हारी तरह किसी भी दुनिया को ऐसे तबाह नहीं करता चाहे वो नॉवल की क्यों ना हो। तो जो लियो मैंग है वो बोलते हैं ये एलिमेंट क्या है। तभी वहाँ पे जो एलिमेंट सिस्टम है रियल वाला वो प्रकट हो जाता है, जहाँ पे लोग हैं वो अपनी चीजें हैं वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन। सिस्टम है वो एक्सप्रेस की स्पीड से आपको आपका सामान है वो डिलीवर कर दिया जाएगा जब आप चाहें उस टाइम। तभी वो एक जगह पे देखता है और बोलता है क्या ये लेजेंडरी गोल्डन सिस्टम है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये फिंगर है वो मैंने शायद अपने खुद के लिए बनाई थी बट ये क्या पता किसके काम आ जाए। अब जो लियो मैंग है वो बोलता है कि मेरी नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट है उसके पास भी मेरे जैसा सिमिलर एक सिस्टम है जिससे वो अपनी चीजें खरीदता है। शादी के बाद उसकी वाइफ है उसकी जिंदगी झंड बना देती है, सुंदर बीवी ने बनाई जिंदगी झंड ये टाइटल उसे वो दे देता है, बट मेन प्रोटैगनिस्ट के सिस्टम का नाम है एलिडेड। लियो मैंग है वो बोलता है कि मेरी नॉवल के हिसाब से ये दुनिया है वो 10 साल में खत्म हो जाएगी, बट मैं इसे एलिमम सिस्टम की मदद से बहुत ज्यादा आरामदायक बना सकता हूं। बट जो एलिमम सिस्टम है वो 0 रुपए होते हैं मतलब 0 है वो बैलेंस होता है। वो बोलता है कि इसका मतलब था लॉर्ड यामा ने मेरा कार्ड दी। तभी एक घोड़े के आने की आवाज है वो लियो मैंग है उसे सुनाई देती है उसके कानों में। लियो मैंग वो बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ अजीब क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसे पहले ऐसा कभी नहीं। उस घोड़े पे एक लड़की बैठी हुई होती है वो मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है लियो मैंग है वो बोलता है कि ऐसा क्या हो गया मतलब मुझे पीछे एकदम छांव क्यों दिख रही है। उस घोड़े पे एक लड़की होती है वो बोलती है कि पतिदेव आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप क्या फिर से मतलब टल्ली होके यहीं पे सो गए थे क्या, और उसे बड़ी विचित्र निगाहों से देख रही होती है। ये लियो मैंग मतलब नॉवल के मेन विलेन लियो यूगो की है वो वाइफ होती है और वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है जिसका नाम लालान मैंग होता है। वो खोया हुआ होता है अपने ख्यालों में, तभी वो बोलती है कि जल्दी से घोड़े पे बैठो और घर पे चलो। लियो यूगो है वो बोलता है कि चिंता मत करो मैं भागने नहीं वाला हूँ तो इसकी चिंता मत करो। नालान मैंग है वो बोलती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से घोड़े पे बैठो। बंदे हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इस बंदे को है बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, पिछली बार जब इसने ऐसा किया था तो इसे पेड़ से उल्टा लटका दिया था पूरी रात के लिए। दूसरी लड़की है वो बोलती है इस बार तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यूगो है वो बोलता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट के लेवल वो 5 भागों में बटे हुए हैं, फर्स्ट मार्शल ग्रेट लॉर्ड, सेकंड मार्शल मास्टर, थर्ड मार्शल ग्रैंड मास्टर, फोर्थ मार्शल सेज, फिफ्थ मार्शल एम्परर। बोलता है कि इतनी सुंदर और रेयर गर्ल है वो इस तरह के वर्ल्ड में वो क्या कर रही है, और एक तरफ है इसका हस्बैंड यानी कि मैं लियो यूगो और मैं कितना कामचोर हूँ बट मुझे सब लोग जानते। ली यूगो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो स्मेल आने लगती है, बोलता है कि आखिर ये इतनी सुंदर है और महकदार स्मेल है वो कहाँ से आ रही है, और वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है। ली यूगो है वो बोलता है कि अच्छा ये इसकी स्मेल है मतलब ये बहुत ज्यादा मेकअप करके आ जाई है। लियो मैंग वो बोलता है कि मैं अपनी रियल दुनिया में अखंड नल और सिंगल था और मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी बट पहली बार मैं लड़की कितने ज्यादा करीब। लियो मैंग है वो उसे छूने जाता है, तभी उसकी वाइफ बोलती है अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी उंगलियों को कई पार्ट में वो काट दूंगी। तो बोलते हैं नहीं यार मेरी उंगलियां बहुत अभी काम की, मुझे मुठभेड़ तो मारनी है। फिर वो सिटी लॉर्ड मेंशन में पहुंच जाते हैं मतलब जहाँ पे जो हमारा लियो मैंग है वो रहता है यानी लियो यूगो। यूगो है वो अपनी बीवी के साथ है, वो मेंशन में एंटर कर जाता है और उसकी बीवी है वो अंदर जाने लगती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो जल्दी से मेरा पीछा करो जल्दी। यूगो है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, तभी पीछे है वो 2-3 लड़कियां होती हैं वो बोलती हैं कि अरे भाई ये तो फिर से पकड़ा गया मतलब इसको भागने का क्या फायदा जब ये हर बार पकड़ा ही जाता है, भागने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ फिर यहाँ से भागो इससे क्या मतलब है। नालान मैंग है वो हमारे यूगो के पेरेंट्स की कब्र है या फिर उसे कह लो ग्रेव के सामने बैठती है और बोलती है कि तुम भी बैठ जाओ यूगो। यूगो है वो नहीं बैठना चाह रहा होता है बट वो अपने आप है वो बैठ जाता है। वो बोलता है कि लगता है मेरी बॉडी है वो इसमें बहुत ज्यादा स्किल पा चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी मेहनत करने की ट्राई पड़ेगी।
बोलती है, फादर इन लॉ मुझे माफ़ करना, मैं अपने हैं वो स्टूडेंट को अच्छे से सिखाने में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मेरा स्टूडेंट इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। गो है वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स की कुछ यादें हैं। लियो मैंग है वो बोलता है कि हालांकि जो ली गो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, बट उसके फादर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन थे जिन्होंने गॉड ऑफ वॉर में उनका बहुत ज़्यादा दिया था हाटियोन, मतलब स्टेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे थे। वो बोलता है गो के फादर और जो नालान के फादर हैं वो एक साथ बहुत अच्छे दोस्त थे, बट नालांग मैंग है वो मुझे कुछ नहीं समझती, वो मुझे पागल समझती है जो एक अय्याश आदमी है और मुझे मारती रहती है। फिर युगो है वो बोलता है करीब आधे साल बाद जो है इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो यहाँ पे आएगा नालांग सिटी में और सब कुछ तबाह करने लगेगा। नालांग मैंग उससे लड़ने की पूरी कोशिश करेगी बट हार जाएगी और मर जाएगी। नॉवल के एंड में युगो को एहसास होगा कि वो कितना ज्यादा नकारा था, बट इसको रियलाइज करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया और उसकी वाइफ है वो मर गई। युगो है वो बोलता है कि चलो जो भी, अब मुझे अपनी सिटी को डेवलप करना होगा और मैं इसमें एलिमोम सिस्टम का है वो यूज करूंगा जिससे बहुत ज्यादा एफर्ट आ जाएंगे इस चीज के अंदर। यू गो है बोलता है एक मिनट, क्या मैं इस सिस्टम के अंदर वो पैसे वो यहाँ के यूज़ कर सकता हूँ? वो बोलता है कि जो भी हो मुझे इस बात को एक बार ट्राई तो वो करना चाहिए। वो बोलता है कि हर चीज़ को एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तभी जो नालाल मैंग है वो उससे बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने बेहोश होने के बाद इस सिटी में क्या क्या धमाल की? बोल दिए क्या तुमने फिर से जुआ खेला? तभी वो सुनती है कि जो हमारा युगो है वो बोलता है कि मैं सिटी को वापस बचा सकता हूँ। नालान मैंग ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। वो बोलता है कि तुम मुझे इसके लिए 100 टेल्स है, वो दो टेल्स है वो वहाँ की करेंसी है। उसकी बात है वो खत्म होता है। जो नालान मैंग है वो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखती है और फिर जो इसी के साथ ये हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। बाय।